गाइज़ वेलकम बैक टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के पाठ्यक्रम को लेकर, यानी कि सिलेबस को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। पूरी PDF मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि लगातार हम रिसेंट वीडियोज़ के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं कि RO AR जो कि आपने देखा होगा कि जून तक जो है इसका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं लिखना है। लेकिन रिसेंट टाइम में जो अपडेट हमारे पास आ रही है और हमने आप तक पहुँचाया भी है कि अध्याचन जो है लोक सेवा आयोग के पास पहुँच गया और इसी महीने इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा को लेकर। तो आप देख सकते हैं 2 घंटे का यहां पर टोटल समय है जो कि दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस होंगे 150 आएंगे, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, जनसंख्या और एनवायरमेंट, विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल, आधुनिक राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सामान्य परीक्षण और कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान। तो आप देख सकते हैं ये 8 अलग अलग टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपकी जो है प्रथम स्टेज, आप कह सकते हैं प्रीलिम्स जिसको आप बोल सकते हैं, उसकी जो है परीक्षा होनी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके अलावा ये डिटेल में इन्होंने जो है सिलेबस दे के रखा है। सामान्य विज्ञान में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इतिहास के अंदर भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था, भूगोल, उसके अलावा कंप्यूटर में आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों से कंप्यूटर विज्ञान के आधारभूत ज्ञान, मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर वो हिंदी में है, नीचे आप देख सकते हैं इंग्लिश में है कि सिलेबस ऑफ रिव्यू असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जर्नल स्टडीज़ को, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरा डिटेल दे के रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करेंगे मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर जो कि यहाँ पर अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं जो सामान्य अध्ययन का जो फर्स्ट पेपर होगा 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का आप देख सकते हैं ये पेपर है। ये पूरा डिटेल सिलेबस जो है आप देख सकते हैं दिया है। ठीक है, नीचे ऊपर हिंदी में है और नीचे यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है। अगला है हिंदी संरचना जो कि सेकेंड पेपर होगा, जो कि 3 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा। हिंदी कंपोजिशन इसमें कुछ 5 प्रश्न आएंगे और अंक का वितरण जो है इस प्रकार से होगा। आप देख सकते हैं ये लगभग आप देख सकते हैं ऐसे के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। थर्ड पेपर निबंध के तौर पर होगा, ऊपर वाला भी लगभग मिनी ऐसे के तौर पर आप उसको देख सकते हैं। तीसरा जो पेपर होने वाला है ऐसे टाइप का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतम 100 अंकों का होगा और उसके अंतर्गत ये ऐसे किस प्रकार का होगा, क्या यहाँ पर टॉपिक्स होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में जो है दे के रखा है। सिलेबस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर 1 आवर जिसमें आपको यहां पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑफिस के 100 मार्क्स होंगे। इस तरह से ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी अप्रेंट 40, यानी कि जो मिनिमम मार्क्स है आपको 40 यहाँ पर लाने ही होंगे। तो आप देख सकते हैं टंकड़ान टाइपिंग, तो यहाँ पर पूरा जो है यहाँ पर डिटेल जो है सिलेबस दे के रखा हुआ है जो कि अपडेटेड है और आने वाले समय में आपको इसकी पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है। क्योंकि अच्छा काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट पोस्ट को लेकर आ रहे थे, क्योंकि जो अध्याचन है उसमें जो पोस्टें रहने वाली हैं ऑलमोस्टली 80 से लेकर 100 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन जो कल एक उड़ती उड़ती खबर आ रही थी कि लगभग 300 के आसपास जो है पोस्टें आ रही हैं। हालांकि कोई पुख्ता इसके बारे में अपडेट नहीं है, लेकिन इतना जो अपडेट है वो है वही है जो मैंने आपको अपने रिसेंट वीडियो के माध्यम से भी बताया कि अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास पहुंच गया है और 80 से लेकर 100 के आसपास जो है पोस्टें रह सकती है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो हम तो लगातार आप तक पहुँचाते रहते हैं इन्फॉर्मेशन। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।